हाई लेवल मीटिंग से पहले बॉर्डर पर बढ़ी बेचैनी। बॉर्डर पर आसमान में मंडराने लगे लड़ाकू विमान। भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष जनरलों के शनिवार यानी कि 6 जून को बैठक होने जा रही है। दोनों देशों की सेनाएं भारत चीन सीमा पर बने गतिरोध के कारण तनाव की स्थिति को कम करने की कोशिश में जुटी है। ये बैठक शनिवार को दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होगी, लेकिन इससे पहले सीमा पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारतीय सेना ने पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और एयरफोर्स भी अलर्ट कर दिया है। लद्दाख में पोंगोंग झील पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के लगभग एक महीने बाद ये बैठक हो रही है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के बीच ये झील पड़ती है और इसके सटीक स्थान को लेकर विवाद है, जिसके कारण दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे के रास्ते में आना पड़ता है। सीमा पर मंडरा रहे फाइटर जेट्स। इस बातचीत से पहले अक्साई चेन इलाके में चीन के लड़ाकू विमानों की हलचल बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना उनकी हरकतों पर नजर बनाए हुए है और उसने भी उस इलाके में अपनी गश्त बढ़ा दी है। चीन की वायुसेना सीमा के करीब युद्धाभ्यास कर रही है और उसके विमान सीमा पर 10 किलोमीटर के नो फ्लाइंग जोन के दायरे में नहीं आए हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने वहां पर मौजूदगी बढ़ा दी है। लद्दाख क्षेत्र में भारतीय वायुसेना बेहतर स्थिति में है। श्रीनगर और चंडीगढ़ एयरबेस से शॉर्ट नोटिस में वायुसेना के लड़ाकू विमान पूरे ईंधन और हथियारों के साथ उड़ान भर सकते हैं। दूसरी ओर चीन के एयरबेस बेहद ऊंचाई पर स्थित है, जिससे उसके विमान ज्यादा हथियार और ईंधन ले जाने में सक्षम नहीं है। LAC पर बड़ी निगरानी। चीन की किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3,488 किलोमीटर लंबी LAC पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। खासकर उत्तराखंड और सिक्किम सीमा पर सेना ने अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा है। ऐसी खबरें थी कि चीन वहां बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि सीमा पर तैनाती बढ़ाने पर शनिवार को पूर्वी लद्दाख में होने वाली लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन चीन की तरफ सेना की बढ़ती तैनाती के मद्देनजर भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। सीमावर्ती राज्यों में रेड अलर्ट। भारत की ओर से पूरी LAC पर गश्त, सैनिकों की तैनाती और निगरानी के लिए UAV का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के अलावा चीन की सेना ने सिक्किम में भी कुछ इलाकों पर घुसपैठ की है, जहां पहले भारतीय सैनिक गश्त किया करते थे। इससे दोनों पक्षों में तनाव पैदा हुआ है। लद्दाख में जारी तनातनी से दूसरे सीमावर्ती राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत ने सीमा पर पर्याप्त सैनिक तैनात किए हैं, हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। दोनों देशों में बनी तनाव की स्थिति। पैंगोंग झील के पास झगड़े के बाद से भारतीय और चीनी सैनिकों के लद्दाख में LAC के पास कई पॉइंट्स पर तनाव की स्थिति बनी। पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी और टेमचोक में भी गतिरोध की स्थिति बन गई। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती और उपकरणों का निर्माण किया, जिसके बाद भारतीय सेना को अपने सैनिक तैनात करने को मजबूर होना पड़ा। स्थानीय कमांडर्स के बीच कई दौर चली बैठकों के बाद अब तनाव में कमी नहीं आई तो दिल्ली और बीजिंग के बीच कूटनीतिक बातचीत पर ध्यान दिया गया और अब शनिवार को भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष जनरल्स के बीच तनाव को कम करने को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। कौन है LG जनरल हरिंदर सिंह? लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो लेह स्थित 14 कॉप्स के कमांडर हैं, उनकी अगुवाई में दोनों देशों के बीच सैन्य बैठक भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। फायर एंड फ्यूरी कॉप्स के उपनाम वाले 14 कॉप्स भारतीय सेना के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान का हिस्सा है और ये सबसे शत्रुतापूर्ण इलाके मौसम और ऊंचाइयों की चुनौतियों का सामना करता है। आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में 14 कॉप्स की कमान संभाली थी। इससे पहले उन्होंने भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिसमें सैन्य खुफिया महानिदेशक, सैन्य संचालक महानिदेशक और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के महानिदेशक जैसे उच्च पदों पर रह चुके हैं। फिलहाल क्या है स्थिति? फिलहाल लद्दाख बॉर्डर पर स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन तनाव बढ़ा हुआ है। चीन की सेना ने अपने पांव बेशक 2 किलोमीटर पीछे खींच लिए हैं,
लेकिन ताज़ा तस्वीरें साफ तौर पर भारतीय और चीनी सैनिकों की दो टुकड़ियों के बीच अनुमानित 2.5 किलोमीटर की दूरी को दर्शाती हैं। तस्वीरें ये भी दिखाती हैं कि जैसी के रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक दोनों तरफ सैनिक अपने अपने क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं। गलवान नदी घाटी क्षेत्र में दोनों पक्ष आपस में दूरी बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा बिल्डअप 5 मई को पेंगोंग झील क्षेत्र में चीनी सैनिकों के भारतीय सैनिकों के द्वारा हाथापाई पर उतर आने की घटना के बाद बना। भारतीय पक्ष की इस क्षेत्र में मौजूदगी पिछले माह के शुरू में टकराव की पहली रिपोर्ट्स के बाद ही बनी हुई थी, क्योंकि नदी घाटी क्षेत्र में भारत वाली दिशा में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। मई के दूसरे हफ्ते में चीन ने यहां अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाना शुरू किया। फिलहाल स्थिति यह है कि भारत और चीन के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता संभावित है।